सो गुड इवनिंग फ्रेंड, हाय कैसे हो आज आप लोग? ठीक है, इस लॉकडाउन के पीरियड में तो सब घर पे ही हो। तो आज मैं दिखा होगा अपने वीडियो में हम कैसे करके क्योट्रिक्स वल्नरेबल मशीन को इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास इंस्टॉल है, मैं प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। सो मैं अपने फायरफॉक्स को ओपन किया और फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद मैं इधर टाइप किया क्योट्रिक्स वल्नरेबल हब। ओके, अभी इसका बहुत सारे लेवल है। ओके, तो चेक करते हैं, हम लेवल वन से स्टार्ट करेंगे इधर। सो दिस इज क्योट्रिक्स वल्नरेबल हब। ओके, सो ये इसका 2014 का एडिशन है। सो इसका जो स्टार्टिंग है, इसका स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होता है क्योट्रिक्स लेवल। अगर हम इधर से क्लिक करेंगे तो इसका फुल्ली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन भी है। ये फर्स्ट वाला डाउनलोड का ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो एक्सेस डिनाइड, कॉन्टैक्ट किया होस्टिंग प्रोवाइडर। सो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर डाउनलोड टू में करेंगे मिरर में तो इसका 186 zip फाइल आप डाउनलोड करके सेव में करके इसको ओके कर देना अपने डाउनलोड फोल्डर में, ये हो जाएगा लाइक। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ये है ऐसे क्योट्रिक्स लेवल वन आएगा, इसके अंदर ये सब फाइल्स आएंगे ऐसे। ओके, सो एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक चीज़ करना है, इसको हम नेट कनेक्शन में लेंगे। इधर मेरा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है रिसेंट वर्जन का और ये क्योट्रिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल हम कैसे करेंगे वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ये फ्री ओपन सोर्स है वर्चुअल बॉक्स। सो इसको ओपन करेंगे, ओपन करके मैं जैसे करता हूँ लाइक ए क्योट्रिक्स। ओके, क्योट्रिक्स करने के बाद ओके इसको हम अदर्स में कर देंगे राइट। मैं इसको दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ तो आपके लिए आसानी होगा समझने के लिए। ओके, सो इसको न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद इसमें करते टाइप क्योट्रिक्स लेवल वन। ओके, एंड इसको अदर्स कर देता हूँ मैं, अगर मेरे को कुछ पता नहीं होगा के बारे में। अदर्स अननोन 64 bit। नेक्स्ट 64 MB रहने देता हूँ। क्रिएट वर्चुअल बॉक्स, नो चेंज फ्रॉम ये, और VDI वर्चुअल बॉक्स इमेज। नेक्स्ट एंड डायनामिकली एलोकेटेड, या नेक्स्ट। ओके एंड क्रिएट, ये क्रिएट हो गया मेरा इधर। ओके, सो इधर जाके एक चेंज करना है, इधर ये VMX में जाके। ओके, ये VMX फाइल है, राइट क्लिक करना है एंड इसको ओपन विथ में सबलाइन टेक्स्ट कर लेता हूँ। इधर जो है, इधर एक ऑप्शन आएगा, इधर ब्रिज लिखा हुआ आएगा, जो ब्रिज को इसमें नेट में कन्वर्ट करना है। ओके, ये आसान होता है नेट कनेक्शन में करने से वल्नरेबल मशीन को, अगर नेट में अगर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। ओके, सो इतना ही था। सो अभी हम क्या करेंगे, इधर सेटिंग्स में जाएंगे। अगर वर्चुअल बॉक्स में फर्स्टली अगर नेट को करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। प्रेफरेंसेस में जाके ये नेटवर्क ऑप्शन है, अगर ये अगर आपका नेट नेटवर्क नहीं हुआ तो इधर प्लस में इसको प्लस कर दोगे तो नेट नेटवर्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इधर जाके एडिट सिलेक्टेड करोगे तो ये मेरा पहले से एजाइन किया हुआ। ओके, सो ये आईपी में नेटवर्क आईडी को एजाइन कर सकते हो, CID वाले। ओके, सो ओके किया मैंने। सेटिंग्स में क्या, सेटिंग्स में जाके मैं पहले गया स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज में जाके मैं क्योट्रिक्स लेवल 1.VDI में क्लिक किया, इधर क्लिक किया और चूज़ ए डिस्क फाइल। जैसे ही चूज़ ए डिस्क फाइल, मेरा जो डी ड्राइव का जो फाइल है ओपन किया और इसके अंदर इस फोल्डर में है, इसके अंदर गया, इसके अंदर गया। सो वर्चुअल डिस्क VMDK मैं क्लिक करता हूँ।
देखते हैं कुछ आते हैं कि नहीं आते। ऑल फाइल्स किया, ठीक है नहीं आ रहा है। सेंडर क्लिक किया, सेकंड किया, फिर द डिस्क फाइल, रिड्राइव में किया, वेस्ट में किया, की ऑप्टिक्स लेवल वन नो मैचिंग, वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क मेरे को इधर नहीं दिखा रहा। ओके कोई बात नहीं, देखिए कि ये मेरा स्टेट में ऊपर है, ये वीडीआई ऑप्शन है। ओके सो इसका देखता हूँ, ये पहले से ही है, ड्यू टू नॉट अटैच वॉस एप ब्रोकन एप्लीकेशन, इसको लेवल वन में क्लिक करता हूँ और चूज़ करता हूँ। ठीक है ओके करता हूँ, चेक करता हूँ क्या होता है। नो बुटेबल फेटल एरर दिखा दिया, कोई बात नहीं, हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट ऑल फाइल। ओके सो मैं इधर मैं अपने डी ड्राइव सी ड्राइव में पहले जाता हूँ, सी ड्राइव में जाके मैं इधर सॉरी वर्चुअल बॉक्स बी एम्स में जाकर चेक करता हूँ, ये पीओ फ्लिक्स पहले से, इसको पहले डिलीट करता हूँ। मैं अपने डी ड्राइव में जाके मेरा जहाँ वो इस है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके और मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और की ऑफ ट्रिक्स को जाके मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ और ये एक्सट्रैक्ट फाइल इधर आ जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ डी ड्राइव में करता हूँ, इसको वेस में क्लिक करता हूँ और इसको क्या करता हूँ न्यू फोल्डर करके ओके कर देता हूँ। ओके ये हो रहा है, ये हो गया। फिर मैं चेक करता हूँ ये क्योटिक्स लेवल वन, इसका लेवल वन ये हो गया। बी एम एक्स फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ओपन इज सबलाइन टेक्स्ट, मैं इसे स्क्रॉल थोड़ा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर, हाँ ये ब्रिज लिखा हुआ है, ये ब्रिज की जगह पे मैं इसको नेट करता हूँ, सेव कर दे रहा हूँ मैं इसको। ओके क्लोज कर दे रहा हूँ, न्यू फोल्डर जा रहा हूँ, इसको टाइप कर रहा हूँ क्योपिक्स। ओके एंड इसको क्लिक करता हूँ अदर्स में, अनोन में, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं अभी सेटिंग्स में जाता हूँ इसका, सेटिंग्स में जाके मैं नेटवर्क को करता हूँ, नेट नेटवर्क में, स्टोरेज में जाता हूँ, चूज करता हूँ, देखता हूँ, चूज अ डिस्क फाइल, या ये बी एम टी का फाइल हो गया, क्योंकि मेरा पहले से ही था इसलिए नहीं आ पा रहा था, इसलिए मेरे को दोबारा करना पड़ा। हाँ ओपन कर दिया मैंने, मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ एक बार, नेट नेटवर्क हो गया, नेट मैंने जो पहले कर दिया डिस्प्ले, या हाँ इट्स ओके। काली में मेरे को जाना है, काली में सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके इसको भी नेट नेटवर्क में करना है, क्योंकि मैं इसमें नेट में करना चाहता हूँ मैं इसको। ओके तो इसको ओके किया, अभी क्योपिक्स को मैंने ओपन किया, ये लेवल वन है क्यूब ट्रिक्स का। यह हो गया मेरा बूटिंग स्टार्ट हो गया।
मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अभी काली लिनक्स में जाता हूँ, मैं काली लिनक्स को भी मैं स्टार्ट करता हूँ। गाना सुनकर काम करने में मज़ा ही कुछ अलग होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो हम क्योप्रिक्स में देखेंगे इसका एनिमेशन प्रोसेस, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा एनिमेशन प्रोसेस, स्कैनिंग एंड एनिमेशन प्रोसेस। ओके, सो हम कैसे करके इंस्टॉल करते हैं क्योप्रिक्स को। ओके, ये क्योप्रिक्स मेरे को मिल गया, बट इसका कुछ भी है, इसका रूट का कुछ नहीं दे रखा है मैं कैसे करके एक्सेस कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, क्या रूट एक्सेस टू दिस मशीन, ये एक वल्नरेबल मशीन है। ओके, तो ये पेनिट्रेशन असेसमेंट एंड एनवायरनमेंट है, वन टाइप्स ऑफ। ओके, बहुत काम का चीज़ है। अगर हम इधर सर्च करेंगे ना, इधर सर्च बार में हम सर्च करते हैं, रेसिपी बॉक्स, ये देखिए रेसिपी लाइक वल्नरेबल apache.com का है, तो क्योप्रिक्स इसके अंडर पे आता है। ओके, सो ये बहुत अच्छा टूल, मतलब बहुत अच्छा वल्नरेबल मशीन है, टूल नहीं है, वल्नरेबल मशीन है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। सो मेरा काली लिनक्स ओपन हो गया, तो मेरे को इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए मेरे को इसका आईपी एड्रेस चाहिए, विदाउट आईपी एड्रेस ये नहीं हो पाएगा। ओके, सो इसका आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे, हम चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्या आईपी एड्रेस है। सो ये मेरा काली लिनक्स ओपन हो गया, मैं इसमें टर्मिनल को ओपन करता हूँ मेरा। सो इसको आईपी चेक करने के लिए मेरे को, मैं दो कमांड यूज़ कर सकते हैं इसका आईपी चेक करने के लिए, आईपी एडीआर। ओके, ये एक आईपी है 192.168। ओके, प्राइवेट आईपी है ये, क्लास सी का। ओके, सो ये आईपी है एंड दिस इज आईनेट में है, आईनेट 6 में इसका क्लास सी का इंटरफेस है। ओके, और दूसरे में हम चेक कर सकते हैं सूडो इस हम कट चेक कर सकते हैं, सेम है। हम रूट में भी चेक कर सकते हैं, sudo माइनस i सेम थिंग्स दिखाएगा। इफ config, इसमें sudo देने का ज़रूरत नहीं है, चेक कर लीजिए। एंड सेम थिंग्स इसमें भी आएगा, आप जैसे ही एग्जिट कमांड दिखाएगा, फिर एग्जिट कमांड टाइप करोगे तो ऐसे करके आप काली में आ जाओगे, लॉग आउट हो जाओगे रूट से। ओके, सो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नोट कीपिंग बहुत ज़रूरी है, नोट कीपिंग करके रखना पड़ता है। काली लिनक्स आईपी एड्रेस, ये मेरा आईपी एड्रेस है, और मेरे को किसका आईपी एड्रेस चाहिए, क्योप्रिक्स का चाहिए। आईपी एड्रेस, सो क्योप्रिक्स का आईपी एड्रेस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों तरीके से चेक कर सकता हूँ, एक एनमैप के थ्रू भी चेक कर सकता हूँ, और एक है नेप डिस्कवर टूल के टूल यूज़ करके। सो हम चेक करते हैं उसके, इसे क्लियर करते हो, क्लियर जैसे करेंगे इसको क्लियर हो जाएगा स्क्रीन। सो मैंने क्या किया, sudo ifconfig जैसे किया, मैं इसका इंटरफेस देखिए eth0, तो हम नेट डिस्कवर में कैसे करके टाइप करेंगे, इंटरफेस वाइज इसको सर्च करेंगे। सो टाइप किया नेट डिस्कवर, ओके,
माइनस आई फॉर इंटरफेस और माई इंटरफेस है ETL 0 एंड हिट एंटर। सॉरी मैं इसमें sudo कमांड लगाना है, मैं तो ये सर्च कर रहे हैं। तो तब तक हम दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से हम इन मैप के थ्रू में कैसे करके चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेस। सो मैंने टर्मिनल ओपन किया और टाइप किया एन मैप माइनस स्मॉल एस स्मॉल एन एंड इसका नेटवर्क आईडी और स्लैश 24। सर ये मेरा कालिका आईपी है, ये मेरा गेटवे एड्रेस है बच्चे लगा चढ़ का एंड दिस वन इज़ बाई 57.4। ओके एन मैप ने बता दिया, अभी इसमें देखते हैं। लेट्स सी सर, देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, बट मैं इसमें कन्फ्यूज हो सकता हूँ मैं। सो दिस वन इज़ अनदर वन टू चेक इन द पिंग एन मैप इधर उधर पिंग करता है इसमें पसल में, तो इसमें से मेरे को मिल गया। तो मैं मतलब प्रोबेबिलिटीज है कि ये आईपी एड्रेस क्यूब ट्रिक्स का होएगा। ओके सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपना फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ अगर इसका HTTP पोर्ट ओपन होएगा तो ये दिखा देगा इसका आईपी एड्रेस क्यूब ट्रिक्स का ही है। ओके सो कोई दे रहा है मेरे को रेड हैट लिनक्स का है ये। ओके सो दिस इज द चांसेस एंड दिस इज एक्चुअली द क्यूब ट्रिक्स आईपी एड्रेस। तो मेरे को क्यूब ट्रिक्स का आईपी एड्रेस भी मिल गया, तो क्यूब ट्रिक्स आईपी एड्रेस है। तो हम ऐसा करके जिस मशीन से अगर आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो हम ऐसा करके आईपी एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आज तक इतना ही था कैसे करके क्यूब ट्रिक्स इंस्टॉल करते हैं, कैसे करके आईपी एड्रेस लेते हैं। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा स्कैनिंग एंड एनिमेशन पार्ट में क्यूब ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके माई वीडियो, बाय बाय।